जी नमस्कार मैम। गाइस अगर आप भी यहाँ पे वीआई कस्टमर केयर से बात करना चाह रहे हैं लेकिन आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक के वॉच कर लो। आप वन क्लिक में वीआई कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, कोई भी इशू प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको वीआई कस्टमर केयर से लाइव प्रूफ बात करके बताने वाला हूँ। मेरे को नंबर सेव है तो गाइस मैं यहाँ पे अभी डायल करके आपको बता देते हैं कि किस तरह से बात करना है। मैं वीडियो को लास्ट में बताऊँगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आपको फिलअप करना है, तो यहाँ पे आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और यहाँ पे मैं जो की फिलअप करता हूँ वो की आप भी फिलअप कीजिएगा। अपने वर्तमान सक्रिय प्लान, पिछले 5 रिचार्ज, डेटा बैलेंस, प्लान की वैधता और आगामी प्लान के बारे में जानने के लिए 2 दबाएं। नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड से संबंधित शिकायत के लिए 3 दबाएं। अपने आपको अपने क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। बस गई मैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ वही आपको फिलअप करना है, तब तो गई आप वीआई कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, अन्यथा गई आप बात नहीं कर सकते हो। जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। अगर आपकी शिकायत उस नंबर के लिए है जिससे आप कॉल कर रहे हैं तो 1 दबाएं। यदि आपको स्लो स्पीड की समस्या आ रही है तो 1 दबाएं। यदि आपका इंटरनेट चलना बंद हो गया है तो, या आपको उपयोग करते वक्त कोई एरर आ रही है तो 2 दबाएं। यदि आपको कॉल करने या रिसीव करने में कोई समस्या आ रही है तो 3 दबाएं। दोहराने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 7 दबाएं। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 8 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो यहाँ पे गए देख सकते हो, यहाँ पे वी आई कस्टमर केयर से बात करने के लिए आपको 9 यहाँ पे फिलअप करना है, तो यहाँ पे गए आप 9 फिलअप कर दीजिएगा। कृपया प्रतीक्षा करें, जल्द ही हमारे एडवाइजर आपकी सहायता में उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पे गए आपको कुछ समय वेट करना है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो वी आई कस्टमर केयर के पास यहाँ पे कॉल रिडायरेक्ट कर दिया जा रहा है। जी नमस्कार मैम। इस तरह से गई आप वन क्लिक में यहाँ पे वी आई कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इशू प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको डायलर ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे मैं जो आपको नंबर डायल कर रहा हूँ यही नंबर आपको डायल करना है वी आई कस्टमर केयर से बात करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे आप 199 पे डायल करोगे तो आपको बहुत ही इजी तरीके से वी आई कस्टमर केयर से बात हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही इजी तरीके से सीख गए होंगे कि किस तरह से आप वी आई कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फटाक से अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनका भी जो प्रॉब्लम है वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।